दिल्ली में AQI काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के LG खुद मौजूद हैं। सर, AQI इतना खतरनाक स्थिति में है, ग्राफ 4 लागू हो गया, आप लोगों ने एक आज अभियान शुरू किया है एंटी स्मॉग मिस्टिंग, ये पहले अभियान क्या है उसके बारे में जानकारी दें। आपने जैसा कहा है कि बिल्कुल सही है कि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हैं और पोल्यूशन जो है चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। हम लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो DDA से मैंने ये द्वारिका में करीब 550 मीटर में एंटी स्मॉग मिस सिस्टम को लगवाया है जी। जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगाया गया है और जिससे मिस्ट जो है स्प्रे किया जा रहा है, और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको एक जगह पर लाया जा रहा है STP से, और फिर उस ट्रीटेड वाटर को हम प्योरीफाई कर रहे हैं उस लेवल पे लाने के लिए जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होता है, उसके बाद इसको जो है यहाँ पर प्रेशर से। सरकार आरोप लगा रही है सर कि केंद्र सरकार के नाकाफी की वजह से ना सावधानी उन्होंने बरती, ना कोई कदम उठाया, इसकी वजह से आज ये हालात है कि दिल्ली को जहरीली हवा में रहना पड़ रहा है। और ये भी कहा कि जो MP UP हरियाणा यहाँ इतनी पराली जलाई जा रही है जिसका जो दिल्ली को सारा कुछ सहना पड़ रहा है। देखिए, मैं आरोप और प्रत्यारोपों में नहीं जाना चाहता हूँ, 10 सालों में सरकार ने क्या किया है वो खुद जानती हैं, सारी दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिल्ली की जनता को जो बेस्ट दिया जा सके कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ये 550 मीटर में इसको लगाया है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि इसके 4-5 दिन से टेस्टिंग भी चल रही थी, जो बताया जा रहा है कि करीब 26% और 20% के आसपास जो है यहाँ पर पोल्यूशन कम हुआ है। तो अब इसको जो है चारों एंगल्स पे लगाया जाएगा, करीब 500 मीटर इधर और जो चौराहा है वहाँ से, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर इसका बदलाव देखने को। अंतिम सवाल करूँगी सर, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम फाइलें भेजते हैं और प्रदूषण को लेकर भी कई फाइलें भेजे, जिसको अगर समय से भेजा जाता तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। मैंने जैसा कि कहा है कि किसी की आदत ही होती है दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की, उनका काम है लगाना, लेकिन अगर हाँ ग्राउंड पे थोड़ा सा भी काम किया होता तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे दिल्ली के LG VK सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए लगातार प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार का आरोप है वो आरोप निराधार है, क्योंकि अगर जो काम करता है वो रिजल्ट भी दिखाता है, और शायद ये वजह है कि दिल्ली में स्थिति बनी हुई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहा है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।